हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं संकिन लैंड। एंड आज जो है ना, हम लोग और ज़्यादा नए आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इस आइलैंड में जितना भी रिसोर्सेस था वो सारा का सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पे बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं है। बट मुझे पता है, अगर मैं दूसरे आइलैंड में गया तो डेफिनेटली वहाँ पे कैनिबल्स या फिर जॉम्बीज अपने को मिलेंगे। सो अपने को सबसे पहले तो अपने के लिए प्राइमरली वेपन बनाना है, जो कि डेफिनेटली अपना बो होने वाला है। बट सबसे पहले मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, बो बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए। तो लगभग बो बनाने के लिए मेरे को चाहिए 10 वुड एंड 1 रोप। बट यार, मेरे पास तो रोप है नहीं। देखता हूँ, यहाँ पे रोप बनाने के लिए लगभग 3 क्लॉथ लगेगा। चलो वो भी हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रोप्स ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे से 11 रोप्स निकालता हूँ एंड वुड भी मेरे को चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्म करके काफ़ी ज़्यादा वुड्स रखी हुई हैं। तो लगभग अपने पास वुड तो काफ़ी हो गया। सबसे पहले जो है ना, मैं अभी अपने के लिए बनाता हूँ 1 रोप। ठीक है, रोप बन चुका है। एंड अभी मेरे को सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा अपने के लिए 1 वेपन। मैं पहले बो बनाऊंगा एंड उसके बाद अपने के लिए बना लेंगे इसके एरोज, क्योंकि यार आपको भी पता है वो तो बिना एरोज के चलेगा नहीं। एंड अगर मैं एक बारी क्राफ्ट करता हूँ तो कितने एरोज बनेंगे वो मुझे देखना है। ओके, अरे यार ये तो वुडन स्पीयर बना दिया मैंने गलती से। चलो कोई नहीं गाइस। ओ भाई, 2 वुड में लगभग 10 स्पीयर्स बन रहे हैं, 4 वुड में लगभग 20, तो अराउंड में 30 बना के रखता हूँ अपने पास। एंड ये जो एक्स्ट्रा स्पीयर है ना, वो मैं अपने बॉक्सेस में रख दूंगा। चलो गाइज, अभी ये जो एक्स्ट्रा स्पीयर था वो मैं रखता हूँ बॉक्स के अंदर, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत पड़ेगा अपने को। सो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। एंड अभी मेरे को वहाँ पे जाने के लिए डेफिनेटली अपने के लिए बोट चाहिए, क्योंकि अगर मैं तैर के जाऊँगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली यार अंदर शार्क्स वगैरह हो सकती है एंड वो मेरे को काटेंगी ना, तो मैं वहीं पर मर जाऊँगा। तो मुझे वहाँ पर भी जाना है, तो मैं ऐसे करता हूँ ना, सबसे पहले देखता हूँ बोट अपने के लिए, क्योंकि बिना बोट के तो वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। यार ये बोट है, वैसे याली बोट मैं बना सकता हूँ, मेरे पास स्क्रैप्स भी है, बट इसको पावर करने के लिए मेरे को ऑरास चाहिए। मुझे नहीं पता वो कहाँ से मिलेंगे, समुद्र से मिलेंगे, बट वो ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो हम लोग ऐसे करते हैं, वुडन सेलिंग बोट बनाएंगे एंड उसके लिए मेरे को कम से कम 2 रोप चाहिए। सो आई होप थोड़ा सा क्लॉथ होगा मेरे पास। चलो मैं चलता हूँ, सबसे पहले चेकआउट करूंगा, क्लॉथ होगा बोट बना के निकल पड़ेंगे सेल करने के लिए एक नए आइलैंड में। ओके, यहाँ पे तो है नहीं, बट मेरे को थोड़ा सा ना वुड चाहिए। वुड मैंने ले लिया है, दूसरा बॉक्स चेकआउट करते हैं, यहाँ पे क्लॉथ होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 20 क्लॉथ मिल गया मेरे को। फटाफट से अपनी बोट बनाते हैं और निकल पड़ते हैं एक्सप्लोर करने के लिए एक नई जगह को। बोट बनाता हूँ मैं सबसे पहले बिल्ड। ओके, तो यार रोप बनाना है मेरे को, पहले मैं अपने के लिए रोप बनाता हूँ। 1, 2 रोप्स बन चुकी है। ठीक है, मैंने बिल्ड तो कर दिया एंड इसको मैं कहाँ पे क्राफ्ट करूँ। चलो गाइज, अपनी बोट लगभग रेडी है एंड मुझे जो है ना करना क्या है, अब बोट में बैठ के निकल पड़ना है एक्सप्लोर करने के लिए। बट सबसे पहले ना मैं यहाँ पे देखता हूँ ये। ओके, तो ये रहा अपना वो अटैक। चलो ठीक है, डैमेज तो दे रहा है, क्या करें। पहले यार मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा ना अपने पास खाना खा के चलता हूँ यहाँ पे से, क्योंकि जितना ये एक्स्ट्रा मेरे पास रोप है ना उसका रखता हूँ मैं यहाँ पे। एंड थोड़ा सा मैं अपने के लिए खाना लेता हूँ, एक सोडा कैन लेके चलते हैं, एक नहीं थोड़ा पी के ही चलते हैं, ऐसे करते हैं, और थोड़ा सा खाना लेके जाएंगे। वैसे मैंने क्रैब्स काफ़ी ज़्यादा पकड़े हुए हैं, इनको बनाने के लिए मेरे को एक डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं क्रैब्स को पका सकूं। तो भाई खाना एकदम फुल है, नहीं फूड थोड़ा सा कम है, मेरे को फूड भी चाहिए। और ना फूड मेरे पास ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बस ये क्या हर्बल मेडिसिन, ये कैन फूड है, एक फूड खा के चलते हैं फिर। चलो गाइस, अभी लगभग सब चीज़ रेडी एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लोर न्यू आइलैंड्स। वैसे यार यहाँ पे ना एक छोटी सी जगह है, मुझे लगता है जिसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ मिल सकता है, पहले देखना पड़ेगा, उधर ही जाऊँगा। यहाँ पे तो नहीं है, मैंने देखा था इधर ही किधर जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था ना ऑफलाइन, सो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा घर देखा था, उसके अंदर एक वॉशिंग मशीन थी, उसके अंदर मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ मिल सकता है। पहले उधर उसको लूट के फिर हम लोग चलेंगे, वैसे भी हम लोगों ने बोट तो बना ही लिया है ना। हाँ ये रहा देखो, मुझे जाना है इसके अंदर। ये रहा देखो, जहाँ पे भी आपको वॉशिंग मशीन दिखे ना उसको स्कैवेंज करो एंड वहाँ से अपने को ढेर सारा क्लॉथ मिल जाएगा। अरे भाई पैंट मिल गई, इससे मैं थोड़ा सा ना वुड वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे आइलैंड में वुड नहीं है बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सारा का सारा सामान मैं रखूँगा बॉक्सेस में और फिर निकल पड़ते नए आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ एक ऐसा आइलैंड एक्सप्लोर करें ना
जिसमें अपने को कुछ अच्छा लूट मिल सकता है। ऐसे करते हैं, ये वाला आइलैंड को एक्सप्लोर करेंगे, बट रात होने वाला है और मुझे नहीं लगता रात को जाना ठीक रहेगा, क्या बोलते हैं? वैसे चलते हैं ना, बट अपने पास ना थोड़ा सा मेरे को वुड चाहिए होगा, क्योंकि बिना वुड के जाना ठीक नहीं है वहाँ पे। ये पैंट, चलो ये पैंट पहनता हूँ मैं। और ये क्या चीज़ मैं खा लिया मैंने भाई, ये डैमेज दे रहा है अपने को काफ़ी, उसने मेरी हेल्थ कम कर दी। तो चलो आई एम रेडी, चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आते हैं। वहाँ पे वो आइलैंड को एक्सप्लोर करूँगा मैं। तो ओके गाइज, हम लोग सेल कर चुके हैं एंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अपनी बोट की। आई होप हम लोग काफी जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पे। भाई रात होने वाली है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है पिछली रात हम लोगों ने किस तरीके से सर्वाइव करा था। पिछली रात में ना अपने को काफी ज्यादा ठंड लग रहा था, तो मैंने वहां पे कैंप फायर लगाया, उस कारण से हम लोग वहां पे बच पाए थे। भाई मुझे लग रहा है कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा हूं मैं, जॉम्बीज वगैरह होंगे तो हम लोग मार देंगे, वो है अपने पास, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बट यार रात काफी ज्यादा हो जाएगी वहां पे जाते जाते, वैसे भी 6 बज चुके हैं, बट कोई नहीं, जाना तो बनते ही है। भाई मुझे लग रहा है ये किसी का बेस तो नहीं है। आयरन संक स्कल बेस, भाई आयरन स्कल बेस है, चलो इसको अप करते हैं और उतरता हूं मैं नीचे। भाई पहले दिन में खतरनाक जगह तो नहीं पहुंच गया भाई, ये तो बेस है किसी का। अच्छा यहां पे हम लोग इसके बेस से तो रेड मार सकते क्या? भाई नहीं भाई, भगले यहां पे से, गलत जगह आ गया मैं, भागो। भाई ये चल क्यों रहा, देखो ठंड हो गई, मेरे को भागना पड़ेगा, मर जाएगा मैं। चलो गाइस अब मैं फाइनली निकल गया, बस मैं वहां तक अपने घर तक पहुंच जाऊं यार कुछ भी करके। भाई ठंड हो गया बहुत ज्यादा, मैं गलत बेस में आ गया किसी के, उसका बेस तो मेरे को उड़ाना पड़ेगा। नहीं यार बस मैं सही सलामत पहुंच जाऊं, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने गलती करी, मैं शाम के टाइम पे आया, आई होप मैं सही सलामत पहुंच जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये टॉर्च निकालता हूँ, आई थिंक टॉर्च से मेरे को थोड़ा सा आराम तो मिलेगा। मैं तो सोच रहा था वहां पे अपने को डेफिनेटली कुछ मिलेगा, बट वो तो यार किसी का बेस था। ठीक हुआ यार गया नहीं कहीं, यार वो भी तो अपना बेस रेड कर सकते हैं, हाँ लगता तो है मेरे को कर सकते हैं वो, बट कोई नहीं, हम लोग अगले मॉर्निंग में थोड़ा सा निकलेंगे एक्सप्लोर करके आएंगे, और जो छोटे छोटे आइलैंड है ना वो जगह देख के आते हैं। मे बी कहीं ना कहीं अपने को ऐसी जगह तो मिलेगा जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने के लिए लूट वगैरह कर सकते हैं। भाई पहुंच गए, अबे भाई उतरना कैसे इससे? सी ओके, तो भाई पहुंच गया मैं अपने घर। सबसे पहले तो यहाँ पे बैठो, ऐसे करते ना थोड़ा सा हम लोग खाना बनाने का कुछ जुगाड़ करते हैं, अभी मेरे को ना खाना बनाने के लिए भी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं बिल्ड में खाना बनाने के लिए क्या चाहिए। ये बाल्टी भी बना सकते हैं क्या आप लोग? हाँ बाल्टी भी तो बना पाएंगे। मुझे लगता है मेरे को ना अपने के लिए एक हेलमेट बना लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास लेदर तो है, तो हेलमेट बना सकता हूँ, या फिर जैकेट बनाए। जैकेट बनाने के लिए मेरे को कॉटन चाहिए, मुझे नहीं पता कॉटन कहाँ से मिलेगा। भाई अभी ना बहुत ज़्यादा चीज़ अपने को ढूंढना है इसमें। चलो देखते हैं खाना बनाने का जुगाड़ करते हैं पहले। ओके सो अपन लोग सिंपल ग्रिल बनाते हैं, जिसमें हम लोग अपने के लिए खाना वगैरह बना सकें, क्योंकि अपन काफ़ी ज़्यादा ना सामान वगैरह केकड़े वगैरह पकड़ रहे हैं अपने के लिए, तो उसको कुक करके हम लोग खा सकते हैं। ओके स्क्रैप्स तो मेरे पास बतेरा है, चलो चलते हैं और करते हैं बिल्ड। सबसे पहले सिंपल ग्रिल, इसको कहाँ पे रखें? ऐसे करते ना यहाँ पे रखते हैं। ओके बन गया, ठीक है। अब इसमें अपने को एक मशरूम, क्या बोल रहा है भाई, ऐड फूड, मेरे पास होगा मशरूम मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं एक बारी मशरूम पड़ा होगा अपने पास, मशरूम यहाँ पे तो है नहीं, है मेरे पास मशरूम। ओके एक ये तो रहा है अपने पास मशरूम, यार केकड़ा है, केकड़ा पकाऊंगा मैं।
पहले मशरूम पकाए। ओके पहले मशरूम रखी, अभी मेरे को ना इसके अंदर वुड रखना है, वुड के लिए अपने को सी से प्लेस करना है। चलो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे 10 वुड डाल देता हूँ मैं, और अपना खाना पकता रहेगा तब तक हम लोग ऐसे करते ना यहाँ पे बैठते हैं। अरे वुड आ गई, थोड़े थोड़े ट्रीज तो ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे। भाई मेरी टॉर्च भी ना खराब खत्म होने वाली है, तो चलो गाइस अभी मेरे को अपने के लिए बेड बनाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे रात को सर्वाइव करना ठीक रहेगा। ऐसे करते हैं ना, एक अपने के लिए स्लीपिंग बेड बना लेते हैं और उसके बाद फटाक से हम लोग सो जाएंगे। बट बेड बनाने के लिए मेरे को चाहिए 3 क्लॉथ। आई होप मेरे पास क्लॉथ होना चाहिए, पहले चेक करो बॉक्सेस में क्लॉथ है। क्लॉथ तो भाई बहुत ज़्यादा है, मैं इसीलिए तो क्लॉथ कलेक्ट कर रहा था ऑफलाइन बैठ के। चलो अभी मैं अपने के लिए बनाता हूँ बेड, यहाँ पे लगाते हैं ना इस जगह में। चलो गाइज अभी हम लोग सोते हैं, मिलते हैं आपसे। सीधा मॉर्निंग हो गई भाई, ये गलत, ये सही चीज है। एंड मेरा मशरूम भी पक चुका है, अब खाता हूँ मैं मशरूम का। यार कोल भी मिल गया मेरे को इससे। अब अगर मैं मशरूम खाऊंगा तो अपना क्या हेल्थ कम होगा? नहीं, अब तो गाइज अपने को हेल्थ वगैरह मिली है। चलो मैं तब तक यहाँ पे केकड़ा रखता हूँ एक पकाने के लिए, ठीक है होता रहेगा। चलो आज अपन लोग किधर चले भाई? पहले पानी चाहिए मेरे को। यार पानी के लिए भी तो अपने को जुगाड़ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग पानी का जुगाड़ करते हैं। पानी के लिए अपने को क्या चाहिए? एक मेरे को चाहिए सिंपल प्यूरीफायर। तो आज हम लोग खाना पानी का जुगाड़ करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे। सिंपल प्यूरीफायर के लिए मेरे को 10 प्लैंक्स चाहिए, 10 स्क्रैप, 3 कंपोनेंट्स मेरे पास है। चलो भाई पहले ना अपनी इंपॉर्टेंट जो अपनी नीड है ना उसको कंप्लीट करो, फिर एक्सप्लोरेशन तो होता रहेगा धीरे धीरे करके। चलो ये तो हो गया, वुडन के प्लैंक्स भी हैं मेरे पास। फिर मेरे को एक बकेट भी बनाना पड़ेगा, पानी का सामान चाहिए ना अपने को। चलो कोई नहीं, तो अभी बनाते हैं। सबसे पहले तो ये रहा अपना सिंपल प्यूरीफायर, इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं, ये खाने के बगल में ना, इधर सही रहेगा। ओके सो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने रख दिया। अब इसके अंदर मेरे को सी वाटर ऐड करना पड़ेगा, एंड मुझे जो है ना बकेट चाहिए। बकेट के लिए क्या चाहिए? ओनली मेरे को लगता है ना बकेट के लिए मेरे को सिर्फ मेटल स्क्रैप चाहिए। मैंने बकेट बना लिया, इसको रखो यहाँ पे। और अभी मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो जो है ना पानी लेके आऊंगा समुद्र का। भाई किस तरीके से भरना है? ओ भाई ओके अब भरा ना, मैं समझो मैं बाहर से ही निकाल पाऊंगा, बट बाहर से तो निकाल पाया नहीं। चलो हम पानी लेके आते हैं, पहले पानी का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास खाने पानी का बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं है। टैंक में ऐड करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ओके कर दिया। अबे यार इसके लिए भी तो वुड चाहिए, वुड मेरे पास है नहीं ज़्यादा। चलो कोई नहीं, बस इतना वुड था मेरे पास, एंड अपना सारा का सारा वुड खत्म हो गया। ये बाल्टी ना, मैं ऐसे करते हैं, इसमें कितनी बाल्टी पानी डाल सकते हैं? 5 बाल्टी। तो सबसे पहले तो 5 बाल्टी डाल देते हैं, 5 बाल्टी डाल देते हैं, फिर उसके बाद पानी की टेंशन नहीं होगी अपने पास। वैसे मेरे को लगता है बॉटल्स भी बना सकते हैं जिसमें हम लोग पानी वगैरह भर सकेंगे अंदर। चलो इतना ठीक है। अब इस बाल्टी को जो है ना मैं रखता हूँ इसके अंदर, ये कंपोनेंट्स है, प्लैंक्स रखूंगा अपने पास, क्लॉथ मैं यहाँ रखता हूँ, ये चुप कोल है अपने के लिए। कोल का भी डेफिनेटली यूज होगा बाद में, बट अभी नहीं। ड्रिंक करते हैं ना सीधा पानी। भाई इससे पानी देखो कितना कम मिल रहा है अपने को, ये तो गलत चीज है भाई। पानी बनने में ना काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मैं देखता हूँ कोला पड़ा होगा अपने पास, वो पीते हैं, एंड पानी का जुगाड़ होता रहेगा। चलो ठीक है थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। खाना है भाई खाना। ओके चलो गाइस अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे। अभी लगभग भाई इतने जल्दी ना 2 भी बज गए, भाई कैसे होगा एक्सप्लोरेशन? थोड़ा सा काम कर, वो आइलैंड दिख रहा है मेरे को, उधर ही चलूंगा मैं। चलो बैठते हैं बोट में और निकल पड़ते हैं। वो आइलैंड दिख रहा है, एंड मुझे मेरे ख्याल से वो आइलैंड ही होगा। भाई मेरे पास वुड भी नहीं है, अब रात हो गई ना मैं मर जाएगा फिर उधर ही।
मुझे खाने का भी जुगाड़ करना है और मेरे को एक फिशिंग रॉड भी बनानी है जिससे हम लोग थोड़ा बहुत फिश वगैरह पकड़ सकें। वो हम लोग बाद में करेंगे, बट आज हम लोग एक जगह एक्सप्लोर करके आते हैं। बस डिस्कवर न्यू लोकेशन, मैकेनिकल फैक्ट्री। फैक्ट्री है क्या इधर? लगता तो है, बट वो जगह देख के आते हैं। वहाँ मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो मिलेगा अपने को। बट यार 4 बज गए। मेरे को अपने के लिए जैकेट बनानी पड़ेगी। जैकेट के लिए मेरे को क्लॉथ चाहिए, वो कॉटन चाहिए। कॉटन मेरे को पता नहीं कॉटन कहाँ से मिलेगा, एक्सप्लोर करके ही मिलेगा मेरे ख्याल से। ओके, तो हम लोग पहुँचने वाले हैं। अगर आप लोग बोलो अगर आपको पीसी में ओनली सर्वाइवल गेम्स देखना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे सर्वाइवल गेम्स खेलूँगा पीसी के, क्योंकि मुझे अपना जॉनरा पता है। ओके, वेयर हाउस यार, किसी क्लैन का है क्या ये? नहीं, क्लैन का तो होगा नहीं। द सेल्वेशन क्लैन, मुझे नहीं पता, बट देख के आते हैं कौन सी क्लैन का है। वैसे वेयर हाउस है यार, ये तो सबका ही होगा, आई थिंक सबका होना चाहिए। फिर भी चल के देखते हैं क्या होता है। 4 बजने वाले हैं, जल्दी से मेरे को एक्सप्लोर करके निकलना पड़ेगा। ओके, पहुंच गए हम लोग। इसको ऊपर करते हैं, उतरते हैं बाहर। अबे यार ये ना, मुझे उतरने के लिए करना पड़ेगा सी। ओके यार, मैं भूल जाता बटन। चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई। ये तो ना मेरे को लग रहा है वेयर हाउस है, यहाँ पे अपने को लूट काफी बढ़िया मिल सकती है। देखो वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, इससे मेरे को तेल मिलेगा। ओबरे भाई केमिकल, बूट मिल गया। बूट तो मेरे पास है बट उठा लेता हूँ भाई। ऊपर चढ़ना है, ऊपर कहाँ से चलेगा मैं? ऊपर जाने का रास्ता किधर है? यहाँ पे से? ओके, यहाँ से मैं जा सकता हूँ भाई। ऐसे करते ना, थोड़ा सा वुड वगैरह कलेक्ट कर लेते, क्या पता अपने को कैंप फायर बनानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि रात यहाँ पे कट सकती है अपनी। पर कहाँ से जाना पड़ेगा भाई? भाई गोलियां चल रही है, भागो। भाग ले बेटा, गोलियां चलने लगी है। मुझे लगता है यहां आने के लिए ना पहले अपने आप को पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। गोलियां चला रहे हैं, भाग बेटा यहां पे से फटाफट से, रुक के कोई फायदा नहीं है। अबे यार ये एक ना, मैं हमेशा गलती करता। इसमें बैठ, मेरे को लगता है ये आइलैंड में अपने को आने के लिए ना गन्स वगैरह चाहिए, नहीं तो हम लोग मरी जाएंगे। अपन लोग जो छोटे छोटे संख आइलैंड से ना, आई मीन सिटीज है, उनको एक्सप्लोर करेंगे मे बी। भाई मैं फंस गया, ये मेरे से ना चलाई नहीं जा रही, लिटरली बताऊं। मुझे लगता है यार वहां जाने के लिए ना अपने को बहुत दिक्कतों का सामना कर सकता है। मेरे को पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जो छोटे छोटे आइलैंड है, आई मीन सिटी है, उनको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे
फिर उसी के बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैं तो अपना घर भी भूल गया यार, पता कैसे चलेगा मेरा घर किधर है। तो डायरेक्ट इधर आया था ना, ऐसे करते ना इधर से जाते हैं। भाई मेरे पास ना कंपास भी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, मैं भटक गया तो खो जाएगा मैं। इसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ओके ओके गाइस, इस पे हम लोग जा सकते हैं, इसको हम लोग लूट सकते हैं। लगा उसमें भाई, मर जा। गया भगले है, इसको मारना बहुत दिक्कत हो सकता है। एंड यहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, तो मुझे भागना पड़ेगा। एंड मुझे पता नहीं है मेरा बेस किधर है। भाई मर जाएगा मैं, पहले ये पकड़ और भागो। ओके तो मुझे लगता है हम लोग ना रात को यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप लोगों ने देख ही लिया है। जैसे अर्ली मॉर्निंग होगा ना तब अपने को निकलना पड़ेगा। भाई लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को ना अपना घर का लोकेशन भी नहीं पता। मुझे लग रहा है वो आइलैंड हो सकता है, हाँ वही है मुझे घर दिख रहा है। आई होप मैं सही टाइम पर पहुँच जाऊँ। देख लिया हम लोगों ने आज, भाई बहुत गलत सीन है यहाँ पे का। वो गोलियाँ चला रहे हैं भाई, मेरे पास धनुष बाण है। चल जाते हैं। जल्दी पहुंच भाई, मरने वाला हूं मैं। 8 बज गए। तो भाई आज हम लोगों ने ये जगह देख ली है, काफ़ी खतरनाक है। वहाँ जाने के लिए अपने को नेक्स्ट लेवल का वेपन बनाना पड़ेगा। एंड इस बोस से तो कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ, अब जब भी हम लोग नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे, जैसे ही सुबह होगा ना 5 बजेगा या फिर 4 बजेगा, हम लोग उसी टाइम निकलेंगे। क्योंकि आपको भी याद है यार, हम काम करते करते एक्सप्लोर करने के लिए निकलते 3 से 4 बजे, एंड वहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाता है रात, एंड हम लोग लिटरली यार कुछ भी नहीं कर पाते। आई मैं भटक गया। भटक गया मैं भूल चुका हूं लिटरली यार, भूल गया मैं। पूरा एक दिन लग गया मेरे को अपना घर ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मैं पूरा का पूरा भटक चुका था कि मैं समुद्र में कहां आ गया। भाई पता है आपको किस तरीके से मैंने रात को सरवाइव किया? मुझे लगने लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, बट यार पहुंच ही गए। एंड मेरा फूड लेवल भी लगभग पूरे का पूरा खत्म हो चुका है। तो मैं अब समझा भाई, अपने को ना अपनी उससे बाहर नहीं निकलना, मतलब औकात से बाहर नहीं निकलना। अभी मेरे को इतना पता नहीं है मैप के बारे में, एंड मैं चले गया इतना ज्यादा दूर, देखो यहाँ। एंड मैं ढूंढ रहा भाई मेरा घर किधर है, बाद में पता चला यार अपना घर तो ये रहा, यहाँ पे ये वाला आइलैंड जो है ना अपना घर है। तो भाई अब देख लो, ये रहा अपना घर। एंड सबसे पहले तो मेरे को ना
वुड ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। नहीं पहले तो पानी पियो, वाटर लेवल लगभग पूरे का पूरा खत्म हो चुका है। एंड इसमें पानी यार, एक बकेट पानी हुआ सिर्फ, भाई गलत सीन। एंड मेरे पास वुड भी नहीं है भाई। यहाँ पे देखता हूँ ट्रीज वगैरह बड़े हुए हैं। ओके ट्रीज तो बड़े हो गए यार, मैंने एक दो आइलैंड देखे हैं जहाँ पे अपने को काफी अच्छा वुड मिल सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में ना अपना प्लान है, हम लोग वो आइलैंड में चलेंगे। भाई खाना नहीं है, खाना ढूंढो भाई फटाफट से, खाना खत्म होने वाला है मेरा। टेंशन ये मिल गया, मशरूम बेरीज मिल गई, ये खाता हूँ स्ट्रॉबेरीज। भाई और भी होंगी, ढूंढो। मैं सोचता हूँ ना यहाँ पे अपने को जितनी भी वुड मिलेगी उठा लेता हूँ, क्योंकि अभी अपने को अपने के लिए खाना कुक करना है। एंड मशरूम भी हम लोग अभी नहीं खा सकते, मशरूम के लिए भी ना अपने को वो करना पड़ेगा, कुक करनी पड़ेगी पहले मशरूम। अरे यार पहले ना पानी का जुगाड़ करते हैं, पानी की बकेट थी मेरे पास, पानी का जुगाड़ करते हैं, खाने का जुगाड़ करते हैं, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है ना करेंगे क्या। भाई एनर्जी भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल नहीं। मछली पकड़ना पड़ेगा यार, बिना मछली पकड़ के तो होगा नहीं। चलो गाइस एक क्रैब तो अपना है, पास है, क्रैब खाएगा मैं सबसे पहले तो। किधर गया ये रहा, चलो एनर्जी बार पूरे का पूरा भर चुका है। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा वुड वगैरह ऐड करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ ना एक बार ही एक पूरा का पूरा बाल्टी जो है ना हम लोग भर के पानी डाल देंगे उसमें। बाल्टी किधर गई रे मेरी, मेरी बाल्टी किधर है, वेयर इज माय बाल्टी। भाई किधर गई बाल्टी, किधर गई भाई बाल्टी, किधर है मेरी इन्वेंट्री में तो होगी नहीं ना। चलो फिर भी चेक करता हूँ, मेरी इन्वेंट्री में तो है नहीं। ये रही, मैं जाता हूँ पहले पानी भर के लाऊंगा इसमें। और यार क्या हम लोग डॉल्फिन को भी मार पाएंगे। चलो पहले एक राउंड लगाते हैं, पांच बाल्टी डाल देंगे उसके अंदर, पानी बचता रहेगा अपना। भाई मुझे ही पता है मैं किस तरीके से ना बच के आया हूँ। भाई गोलियां चला रहा था वो धड़ 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 धड़। मैंने कहा भाई अभी नहीं, ऐसे में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पहले अपने को मजबूत होना पड़ेगा फिर ही जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है वैसे भी हम लोग सर्वाइवल गेम तो काफ़ी खेलते हैं, तो अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम नए नहीं हैं ऐसे गेमों में। यार पक्षी उड़ रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा है इन पक्षी को मारूं मैं, मीट का जुगाड़ हो जाएगा खाने का। आई तीन बाल्टी और कर सकते हैं यार, कोई एक डायरेक्ट पाइपलाइन होती ना मजा ही आ जाता। मैं तो सोच रहा यार इतना दूर मैंने बेकार ही लगाया, सीधा इसको पानी के सामने ही लगाना था। चलो कोई नहीं, एक बारी ना पांच बाल्टी पानी डाल देता हूं तो अपने पानी का जुगाड़ हो ही जाएगा। चलो तो ओके गाइस, अभी मेरे पास जितना भी मशरूम है ना, ये बुसे सीड पता नहीं जब भी काम आएंगे, सबसे पहले तो इसको यहाँ पे रखो। खाना करता हूँ मैं अपने के लिए कुक, और तो कुछ है नहीं, मशरूम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है। ये मेरे को एक सूट मिला था लड़कियों का, मैंने कहा पहन लेता यार थोड़ा सा, क्या पता हेल्प करेगा अपनी। सबसे पहले तो इसको ही करूँगा मैं। चलो भाई इसमें एक में एक बार में एक ही बना पाएंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट। ओ भाई जो अटैक कर दिया उन्होंने मेरे में, भाई चल बेटा निकल। भाई इन्होंने अटैक कर दिया मेरे घर के ऊपर, हेडशॉट मारेगा मैं डायरेक्ट। क्लॉथ दिया ठीक है,
भाई इनको मार सकते मतलब। अरे दूसरा किधर है? ये रहा दूसरा। चल बेटा ये मशरूम दिया, मशरूम लेके जा रहा था। नॉनसेंस, और आ रहे हैं क्या? मुझे लगता, अरे मेरे घर तोड़ रहे हैं। नॉनसेंस के पिल्ले छोड़ दे, मेरे घर छोड़ बेब। आराम के पिल्ले छोड़ दे, तोड़ेगा ये मेरा घर पूरा, तोड़ेगा तेरी है। अबे भाई नॉनसेंस, इधर देख, इधर तेरे को मैं मारता हूँ। नॉनसेंस उधर बीजी है ढक्कन। इसके पास, नॉनसेंस के पास कुछ नहीं था। चलो गाइस फाइनली अपने बेस में पहली रेड भी हो गई, ठीक है, मजा आया मेरे को। बट यार ये तो दो जॉम्बीज की रेड थी, एंड आने वाले टाइम पे डेफिनेटली काफी जॉम्बीज की रेड होने वाली है, तो अपने को ढंग से प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।